एक्सक्यूज मी, क्या आप अपना पैर इस बैग से हटा सकते हो? क्यों, तुझे यहाँ बैठना है क्या? नहीं, मुझे यहाँ पर बैठना नहीं है, लेकिन जिस बैग के ऊपर आप पैर रख कर बैठे हो ना, ये बैग मेरा है। ओ, ये बैग मेरा है? मुझे लगा ऐसा पड़ा हुआ है तो कचरा है। मैडम, आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बैग मेरा है, ऊपर से आप अपना दूसरा पैर भी इस पर रख रहे हो। ओ मिस्टर, तुम अपना बैग ऐसे कहीं भी फेंक कर जाओगे तो कोई भी पैर रखेगा ना। मैडम, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि मैं लवर्स की तरह नहीं छोड़कर गया था। मैं आपके आने से 10 मिनट पहले यहाँ पर कॉफी पी रहा था और ये बैग ना मैं चेयर पर छोड़कर गया था। अब किसने नीचे डाल दिया मुझे नहीं पता। मेरे पास तो एक्सेल कार्ड है ना। अरे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारे साथ ही आ जाती ना। लेकिन मैम, आपने पूछा ही नहीं। छोड़ो, सर का कैबिन कहाँ है? अंदर है। मैं कमिंग सर। सॉरी टू से मिस सताक्षी, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए काफी लेट। हाँ सर, आई नो, बट मैं टाइम पे आई थी। सारी गलती ना आपके स्टाफ की है, उन लोगों ने मुझे बहुत वेट कराया और फिर मुझे लिफ्ट भी यूज नहीं करने दी। मैं ना सीढ़ियों से आई, इस वजह से लेट हो गई। आई नो सताक्षी, क्योंकि ये करने के लिए मैंने ही उन्हें बोला था। What? आपने बोला था? पर क्यों? तुम तो वो उस दिन बैग वाले। हाँ जी, मैं वही बैग वाला हूँ जिसके साथ तुमने कुछ दिन पहले बदतमीजी की थी। यू नो सताक्षी, कल ही मेरे कलीग ने मुझे तुम्हारी फाइल दिखाई और मुझे पता चला कि तुम्हारा इंटरव्यू मैं ही लेने वाला हूँ। हाउ अनलकी यू आर। सर, मुझे नहीं पता था कि मेरी मीटिंग आपके साथ होने वाली है, वरना मैं ऐसा बिहेव बिल्कुल भी नहीं करती। पर आई प्रॉमिस, आगे से आप मेरा ऐसा बिहेवियर कभी भी नहीं देखोगे। अरे नहीं नहीं सताक्षी, मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे आपकी असलियत पहले ही पता चल गई। यू नो, अगर मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में नहीं पता चलता कि तुम लोगों के साथ कितना मिसबिहेव करते हो, तो तुम मेरे पास आते और मैं तुम्हारी फाइल रीड करके शायद साइन कर भी देता और हमारी आज की डील फाइनल भी हो जाती। लेकिन अच्छा हुआ मुझे पहले ही तुम्हारे बिहेवियर के बारे में पता चल गया, इसलिए ये डील तो आप भूल ही जाओ। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। ये डील ना हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पहले हो गया उसे भूल जाइए। हम डील कंटिन्यू करते हैं ना। नहीं सताक्षी, अगर आज मैंने तुम्हारे साथ डील कर ली ना, तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी जिनके साथ तुमने पास में बदतमीजी की होगी, मिसबिहेव किया होगा। क्योंकि मुझे तुम्हारा बिहेवियर देखकर तभी पता चल गया कि तुम कितनी एरोगेंट लड़की हो और तुम्हें अपने पैसों पर कितना ज्यादा घमंड है। और आज मैं तुम्हारी ये डील ठुकरा रहा हूँ ताकि तुम आगे से किसी के साथ बदतमीजी करने से पहले ना 1000 बार सोचो। अब आप जा सकते हो यहाँ से। सर मेरी बात तो सुनिए प्लीज, सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी आगे से। I shall leave.